गोंदिया जिले से गुजरने वाले मुंबई हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चालकों को रोककर ट्रक से डीजल चोरी करने वाले अंतरराज्य गिरोह के दो लोगों को स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 56,14,900 रुपए का माल जब्त किया है। ट्रक चालक प्रदीप यादव यह भारत बेंच कंपनी का ट्रक गढ़चिरौली जिले के सूरजागढ़ पहाड़ी से आयरन मिट्टी रायपुर ले जा रहा था, तभी रात के समय नेशनल हाईवे 53 पर कोमारा गांव के पास आराध्य पेट्रोल पंप के पास नैनपुर में रुका। इसी दौरान 20 से 25 वर्ष की उम्र के चार अज्ञात आरोपी सफेद रंग की बोलेरो कार में सवार आरोपी ट्रक के पास पहुंचे और ड्राइवर को धमकाकर और गाली गलौज करते हुए ट्रक में चढ़ गए और दूसरे आरोपी ने ट्रक के डीजल से लगभग 175 लीटर डीजल निकाल लिया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने डुक्कीपार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच कर आरोपी मध्य प्रदेश के मंडला निवासी हिमांशु विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष और सलमान बशीर खान उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने जुर्म कबूल किया और उन्होंने अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 2 इनोवा 4 पहिया वाहन और डीजल बिक्री के पैसे और अन्य सामग्री कुल 56,14,900 रुपए का माल जब्त किया है।